केरल में 5 और लोगों में पाया गया है जीका वायरस। राज्य में अब तक आए कुल 28 मामले। सीएम योगी आदित्यनाथ के लौटने पर आज होगा कांवड़ यात्रा पर फैसला। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी सरकार। नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले रेलवे ने दी काशी को सौगात। मंडू आरडीए स्टेशन का नाम अब बनारस। यूपी पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप में सपा आज सड़कों पर। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए किसानों ने भी खोला मोर्चा। यूपी में कोरोना तीसरी लहर से निपटने को भाजपा सरकार व संगठन की रणनीति। 24 करोड़ आबादी का सुरक्षा घेरा बनाएंगे स्वास्थ्य स्वयंसेवक। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के हर तहसील मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सपा कार्यकर्ता 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था, रोजगार की मांग, गन्ना बकाया मूल भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर औरैया से है, दूसरी लखनऊ से सामने आ रही है, वहीं शाहजहांपुर, रायबरेली, अलीगढ़ और आगरा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सपा कार्यकर्ता जिस तरह से महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने लोकतंत्र के जो मारने का, जो खत्म करने का योगी सरकार ने, बीजेपी ने काम किया है, उसको बचाने के लिए समाजवादियों को निर्देश किया सड़कों पर उतरो और लोकतंत्र बचाओ। आज एक आगरा में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता तहसील को घेरने का काम कर रहा है। और हम ये मांग करते हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा के लोगों ने महिलाओं की साड़ी खींचने का काम किया, उनको बेहद करने का काम किया, धांधली करने का काम किया, पर्चे फाड़ने छीनने का काम किया, लोकतंत्र को बिल्कुल हत्या करने का काम किया, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए। महंगाई जिस तरीके से चरम पर है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराधों की बाढ़ लग गई है, लूट डकैती छिनैती आम बात हो गई है। आज उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता आज तहसील को घेरने के लिए आगरा में सड़क पर उतरने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है, तब से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का उत्पीड़न हो रहा है। अभी 3 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ, 10 तारीख को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। कैसा खुला नंगा नाच हुआ है रायबरेली में और पूरे उत्तर प्रदेश में। आप पत्रकार साथियों गवाह हो कि आप लोगों के साथ 10 तारीख को कौन सी घटना पत्रकार साथियों के साथ हुई, इसको हम किस तरह से कहें, आप सभी उसके गवाह हो। पत्रकारों को मारा गया रायबरेली में, इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न, उन्नाव मारे गए, प्रताप बढ़े मारे गए, दौड़ा दौड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी मार रहे हैं। 16 सूत्री मांगे हैं पंचायत में, धांधली को लेके चुनाव हुए, डीजल की महंगाई रात दिन बढ़ रही उसको लेके, और एक पंचायत चुनाव में महिला की सरेआम जो चीरहरण किया जा रहा है उसके विरोध में किसान। वहीं आगरा में 2 दिन पहले अपहृत हुए डॉक्टर को पुलिस ने धौलपुर के बीहड़ से मुक्त करा लिया है। बदमाशों ने उन्हें बीहड़ में छिपा कर रखा था, उनकी कार पहले ही बरामद हो चुकी थी। अपहरणकर्ता पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए थे। आपको बता दें कि आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का हाईवे के सर्विस रोड पर विद्या नर्सिंग होम है। वे मंगलवार शाम 7:30 बजे मोबाइल पर कॉल आने के बाद घर से निकले थे और इसके बाद वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब उनका सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने डॉक्टर की खोज शुरू कर दी। उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन सैया क्षेत्र में मिली थी, इसलिए पुलिस को धौलपुर के गैंग पर अपहरण का शक था। आगरा के अतमदौला क्षेत्र में एक डॉक्टर जिनका नाम उत्तम जो गुप्ता है, उन्होंने उनका अपहरण की सूचना पुलिस को प्राप्त न हुई थी। सूचना पर विश्वास करते हुए तुरंत हम लोगों ने मुकदमा उस पर पंजीकृत किया था और इसमें ये पता चल रहा था सारा, जब हम लोगों ने सर्विलांस और इसका एनालिसिस किया था कि कहीं ना कहीं राजस्थान से लिंक ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने राजस्थान पुलिस से कॉन्टैक्ट किया, धौलपुर पुलिस से पर्टिकुलरली हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया,
दो लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी फिर इस जॉइंट ऑपरेशन में मिली है और साथ ही में जो डॉक्टर साहब है। वहीं आगरा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। दबंगों ने युवक पर कुल्हाड़ी से भी हमला किया। वहीं बेटे को बचाने आई मां पर भी दबंगों ने वार कर दिया। दबंगों के हमले से मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों को एकत्रित होता देख दबंग मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने घायल मां बेटे को सीएचसी केंद्र बाह में भर्ती कराया। वहीं मामले की जांच भी पुलिस शुरू कर चुकी है। खबर आगरा से है, जहां रास्ते में लगी लकड़ी को हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस हमले में करीब 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना, हम एक फेरे में चले गए थे सुबह, तो पिताजी वाला चारा लेके आ रहे, मेड़ पर खड़ी थी लकड़ी एक खूंटा जैसी, तो उसमें ये उज्जे के गिर पड़े थे, तो इनने वो लकड़ी उखाड़ के साइड में फेंक दी, तो ये हमारे ताऊ के लड़के ने कहे लड़का है, ये स्नातक लड़का और सोवरन का, और हमारी ताई और ताई की दोनों बहुएँ और दोनों तीनों लड़की लाठी ले गए, ये सुरजीत और ये रंजीत दोनों ने आगे हमारे पिताजी में हमला कर दिया, सर फाद दा छोटा वाला भाई है सत्यपाल निकला। बढ़ते अगली खबर की ओर, औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में लोगों ने उत्पात मचाया है। जब पड़ोसी ने मना किया तो जमकर मारपीट हो गई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। वहीं घायलों को सीएचसी एरवा कटरा लाया गया है, जहां हालत नाजुक देख डॉक्टर ने सैफई पीजीआई रेफर कर दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा है कि मामले की जांच करके दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में एक साध्वी सेवादार की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि साध्वी मंदिर में करीब 10 साल से पूजा करती है। वहीं साध्वी के साथ पहले लूट की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद साध्वी की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जब मैं अपने घर से आया, मेरे को बताएगी कि आपकी चाची खत्म हो गई है, तो मैं अपने घर से चला। घर आने के बाद मैंने यहाँ पर देखा तो चाची का कपड़ा हटा कर देखा, तो चाची के सिर पर चोट के निशान है, या कान पर चोट के निशान है, और मुंह पर निशान है, गले पर निशान लगे हुए हैं। तो मन की भाई इसकी इनकी चाची की किसी ने हत्या करी है। यहाँ से जो ले गए, जैसे एक तो मोबाइल नहीं है, बैंक की किताब नहीं। देखिए, ऐसा है कि बीती रात गर्भवती जो महिला का नाम है, वो चामुंडा के ऊपर एक बने कमरे में रहा करती थी। रात 9 बजे तक इनको लोगों ने देखा है। सुबह जो सबसे पहले यहाँ पर आई महिला, उन्होंने देखा कि वो मृत अवस्था में पड़ी है। जायरा जो चोटे हैं उसे लग रहा है कि उनको किसी ने मारा है। कार्रवाई पंचायतमा और पीएम ने कर। खबर बुलंदशहर से है, जहां महिला से अवैध संबंध के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इस पूरे घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या के मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कल थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में खुर्जा रोड पर एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके सर पे चोट पाई गई थी। सिकंदराबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले शव की शिनाख्त की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि ये हमारे खत्तीवाड़ा क्षेत्र के राजा राम जी हैं, जिनकी हत्या हुई है, और उनके पुत्र के द्वारा थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें से एक नामजद अभियोग पूरा। कानपुर नगर के पनकी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मामूली विवाद कहासुनी में लड़ाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि रतनपुर कॉलोनी में दो पक्षों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते पथराव होने लगा। तभी एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। वहीं गोली लगने से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तीन आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। थाना पनकी के रतनपुर में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के दुर्गा पार्क के पास दो युवकों का आपस में झगड़ा हुआ। उसके बाद जब उनके घर पे पथराव करना शुरू करा, तो सोनू मोनू के पिता त्रियोगी शुक्ल ने अपनी लाइसेंसी हथियार से फायर कर दिया, जिसमें धर्मेंद्र के गले में गोली लगी
घायल हो गया, अस्पताल जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। मौके से कुछ लोगों को वहीं शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन के बाद लापरवाह डॉक्टर ने मरीज के पेट में ही कपड़ा छोड़ दिया। कपड़ा पेट में होने की वजह से महिला को इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से महिला को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर पेट से कपड़ा बाहर निकाल लिया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। आखिर कब तक डॉक्टरों की लापरवाही से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं रायबरेली के सलोन तहसील क्षेत्र में तैनात लेखपाल के घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। तहसील में तैनात लेखपाल राम विशाल ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध मकान बनवाने के नाम पर रिश्वत ली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि आखिर इनके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो जो वायरल कथित बताया जा रहा है, उसको मैंने भी देखा है। उसमें एक लेखपाल का जो चेहरा मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन पीछे से समझ में आ रहा है कि वो राम विशाल नाम है और वो किसी से पैसे ले रहे हैं। वो पैसा किस व्यक्ति ने दिया है, ना तो उसको बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है, ना ही किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की है कि यह पैसा किस रूप में है, भ्रष्ट आचरण के लिए है या किस लिए है, इसकी कोई शिकायत नहीं आई है। ये वायरल हुआ है कि किसी गाँव में आक्रमण के नाम पर पैसे लिए गए हैं, यह बातें संज्ञान में लाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा शिकायत नहीं आई है। और मैं इस मामले में संबंधित लेखपाल से स्पष्टीकरण लेकर वह कौन व्यक्ति पैसा दे रहा है, किस रूप में पैसा दे रहा है, इसकी पूरी तहकीकात। वहीं लखीमपुर खीरी के ओयल कस्बे में महिला का धर्मांतरण किए जाने का मामला सामने आया है। धर्मांतरण कर निकाह करने का दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरेआम महिला को असलहे की नोक पर अगवा कर बंधक बनाया गया था। वही महिला के साथ मारपीट भी की गई थी। पुलिस ने नामजद अभियुक्त सहित दो मौलानाओं को जेल भेज दिया है। कौशाम्बी के पुरखास में रामचंद्र पासी की आकाशीय बिजली गिरने से कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी, जिसको लेकर सरकार द्वारा उनके आवास पर उनकी पत्नी विनीता को 4,00,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। साथ ही कई सारी योजनाओं के तहत उनके परिवार को सांत्वना भी दी गई है। वहीं रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार स्वार थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव में प्रधानपति तेजपाल के खेत में बनी झोपड़ी में यह अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रधानपति तेजपाल और यूनुस अभी फरार हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। लेडीज जोन बरेली महोदय के निर्देशन में एक कार्रवाई और एक अभियान चल रहा है, जिसमें जो अवैध शस्त्र पाए जा रहे हैं उनके स्रोत की जानकारी की जा रही है कि वो कहाँ से लाया है, और ये भी अभियान चल रहा है कि अवैध शस्त्र कहाँ कहाँ निर्मित हो रहे हैं और कहाँ कहाँ वो सप्लाई हो रहे हैं। तो इसी अभियान के तहत रामपुर में बढ़ते वाली खबर क्यों, रायबरेली के जलमऊ ब्लॉक्स में ग्रामीणों ने चंदा वसूल कर किराए की जेसीबी मंगवाई और उस जेसीबी से नहर की सफाई कराई। वहीं जुलाई माह में धान की रोपाई युद्ध स्तर पर की जाती है। हर साल लाखों रुपए का खर्च करके नहरों की साफ सफाई कराई जाती है, लेकिन ठेकेदार और विभाग के मिलीभगत से नहरों की वैसी सफाई नहीं हो पाती है जैसी होनी चाहिए। वर्तमान समय में जिले के ज्यादातर नहरें घास और गंदगी से पटी पड़ी है। ग्रामीणों को अपने निजी खर्चे से नहर की सफाई करवानी पड़ रही है। विकासखंड डलमऊ क्षेत्र में नहर की सफाई ना कराए जाने से नाराज किसानों और ग्रामीणों ने खुद पैसा इकट्ठा कर जेसीबी से सफाई करवाई। इस दौरान उन्होंने नहर में उगाई झाड़ को भी साफ करवाया। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।